गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली 5 की ओर बढ़ेंगे, है ना। इसमें से चौथा प्रश्नावली आप लोग का बन गया होगा, जिसका भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ से पांचवा प्रश्नावली में भी क्वेश्चन चौथे प्रश्नावली के जैसे ही मिलेगा। जैसा पहला क्वेश्चन है, साइन 9 थीटा बराबर साइन थीटा को हल करना है ना। तो सबसे पहला दिया गया समीकरण, फिर दोनों को एक पक्ष में करेंगे, उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाएंगे। तो 2cos c + d/2 × sin c − d/2 होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी की जगह 9 थीटा और डी की जगह थीटा हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे 5 थीटा 4 थीटा। आगे आपको यहाँ पे देखो तो आप लोग का दो मिला हुआ है आपका, है ना। एक मिला है cos 5 थीटा, एक मिला है sin 4 थीटा, दोनों इंटू के फॉर्म में है। तो एक बार क्या लिख सकता हूँ, cos 5 थीटा = 0 होगा तो क्या होगा, एक बार sin 4 थीटा = 0 होगा तो क्या होगा, है ना। तो जैसे कि cos 5 थीटा = 0 होगा तो क्या होगा, एक बार sin 4 थीटा = 0 होगा तो क्या होगा। तो जब cos 5 थीटा = 0 होगा, जैसे कि हमको पता है कि cos θ = 0 होगा, तब θ = 2n+1 क्या होता है आप लोग का, अल्फा होता है, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा की जगह क्या आपका 5θ है, 2n+1 का 2n+1, और यहाँ पे 0 मतलब π/2 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से थीटा का मान जो है 5 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा, है ना। अगर sin 4θ = 0 है तब क्या हो जाएगा, 4θ = nπ, तो θ = nπ/4 ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा है ना। दूसरा क्वेश्चन में भी आपका कॉस के फॉर्म में ही मिलेगा, तो साइन के फॉर्म में मिलेगा। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या आपका अलग अलग मिलेगा, है ना। एक साइन है और दूसरा क्या आपका कॉस है। तो यहाँ पे क्या है, साइन वाला फॉर्म है, यह वाला कॉस है। यहाँ पे sin 2θ का 2θ रहेगा, cos 3θ को हम लोग मतलब कि यहाँ से क्या कर सकते हैं, sin 2θ का मतलब कि जैसे कि sin θ = क्या होता है आपका, cos 90 − θ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे sin 2θ की जगह cos 90 − 2θ लिख सकते हैं। तो हमारा cos 3θ का cos 3θ और sin 2θ की जगह इस ये वाला मान हो गया, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, cos θ = cos α होगा, तब θ = क्या होता है, 2nπ + α। तो थीटा की जगह 3θ और क्या हो जाएगा, अल्फा की जगह π/2 माइनस क्या हो जाएगा, 2θ, ठीक है। तो यहाँ से आगे आप लोग बना लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 5 देखेंगे, कॉट के फॉर्म में है, तो कॉट को 10 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना। फिर क्या हो जाएगा, 1/10 हो गया, फिर 10 को ऊपर ले गए हैं। उसके बाद 10θ = 10α होगा, तब θ = nπ + α होता है। यहाँ पे थीटा की जगह 4θ हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, अल्फा की जगह भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा को एक साइड लेके यहाँ से क्या करेंगे, थीटा का मान को निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न 7 में क्या, इंटू के फॉर्म में है, तो एक को किसी को भी एक को भेज देना, और 1/10 का मान क्या होता है, कॉट, और कॉट मतलब 10 90 − θ होता है। फिर आगे आप लोग बना सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर आपका कहाँ तक बनेगा, 15 तक बनेगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल आपका संडे है, तो आप लोग 1 से 15 का तैयारी करेंगे, है ना। और आप लोग का अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग पूछेंगे। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 16 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।